जनपद रुद्रप्रयाग में तल्ला नागपुर के न्योदोला क्षेत्र की आराध्य मां नारी देवी 30 सालों बाद अपने मंदिर से बाहर आकर 7 महीनों की दिवारा यात्रा पर निकली। बता दें कि नारी देवी सयपुरी गांव के भ्रमण पर है। वहीं देवी ने रात्रि प्रवास बवताल कोटा में किया, जहां सभी ने देवी को भोग परोसा। इसी क्रम में नारी देवी ने सभी परिवारों को अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान मंदिर समिति के अध्यक्ष दिशराज रावत ने कहा, नारी देवी 30 सालों बाद अपने दिवारा यात्रा पर निकली है। वहीं मां नारी देवी की जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना करते हैं, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। पुजारी राजेंद्र प्रसाद सेमवाल ने कहा कि मां नारी देवी की दिवारा यात्रा बनियात नोजियुला क्षेत्र में सभी गाँवों के सहयोग से आयोजित की जा रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सौभाग्य की बात है कि माँ चंडिका 30 सालों बाद फिर अपनी चारों दिशाओं की यात्रा पे जा रही है। अभी चारों दिशाओं की यात्रा से पहले अपने नोजला के जो गांव हैं उनमें घूम रही है। आज देवी सुपनी गांव में है। मैं माँ चंडिका जो हमारा 17 नंबर से शुरू हुआ, ये चार गांवों की नौजुला की नौजुला में जो चार गांव हैं, ग्राम नारी, खतेड़ा, सुपनी, सतेरा, उनकी ये आराध्य देवी है। ये इस देवी का प्रयात विगत 30 सालों बाद हो रहा है और ये अपने पूरे क्षेत्र भ्रमण पे निकली है। कल का प्रवास हमारे यहाँ ग्राम सुपनी कोठा में देवी का प्रवास था। आपका धन्यवाद जो आप अपने चैनल के माध्यम से हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भगवती चंडिका श्री नारी देवी अपने दिवारा यात्रा पे निकल चुकी है। अभी हमारा जिसको हम घर दिवारा बोलते हैं, हमारे चारों गांव नौजुला में, नौ गांव आते हुए से नौजुला में ग्राम नारी, खजाना, सतरा, सुपरी, फोला, नौकी, ढोटी, इस तरीके से कुछ